गुड मॉर्निंग, आज हमारा दूसरा दिन है केरला में और आज भी हम लोग मुन्नार में हैं। तो अभी हम लोग निकले हैं, एक यहाँ पे पीक है जिसका नाम है कोलुकुमलाई, आई थिंक मैंने सही से प्रोनाउंस किया है। तो हमको वहाँ जाना है और उसके लिए सुबह 3 बजे निकलना पड़ता है। तो हम लोग 3 बजे निकल गए मुन्नार से और आज संडे है तो शेयर्ड जीप हम लोगों ने बुक करी है जो 4:30 हमें सूर्यनली से पिकअप करेगी। सो मुन्नार से सूर्यनली तक का जो रास्ता है वो रफली अराउंड 1 घंटे का है, 25 किलोमीटर, और वहाँ से रफली 10 से 15 किलोमीटर है वो पीक तक का रास्ता है। और उसके लिए आपको 4x4 गाड़ियाँ ही चाहिए होती हैं, गवर्नमेंट की जीप्स होती हैं वही जाती हैं। तो बस अभी निकल गए हैं, आई थिंक 1 घंटे में पहुँच जाना चाहिए। और मौसम तो आज क्लाउडी है तो देखते हैं कि कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है। यूजली लोग सनराइज़ देखने के लिए जाते हैं बट मुझे लगता नहीं हमें सनराइज़ देखने को मिलेगा, बट शायद कुछ तो वैली व्यू या कुछ तो दिखना चाहिए हमें। तो ये हमारा जीप थार, जो बोल लो इसे जीप ही है ये, जैसे महिंद्र की ये पुरानी वाली थार है। तो इसमें अंकुर बैठ गए हैं और मैं इधर बैठने वाली हूँ। अभी 4:30 होने वाले हैं, यहाँ पर सारी जीपें आ गई हैं। मास्क पहन लूँगी, हाँ मेरे पॉकेट में ही हैं। और यहाँ पर सारी जीप्स की लाइन लगी हुई और आगे पार्किंग भी है छोटी सी जहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। तो बस अभी बस निकलने वाले हैं फटाक से। ओके, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो रही है और बहुत ही घटिया रास्ता था। मतलब ऐसा लग रहा था कि बस क्या ही बना दिया इन लोगों ने यार। हमें लगा था कि हम पहले गए थे ना पंचाचुली वगैरह, वो जगह थोड़ी सी थी एडवेंचरस, ये तो थोड़ी नेक्स्ट लेवल ही हो गई है। और ओफो, ऐसा लग रहा है पीठ शायद टूट गई है बिल्कुल। रास्ता ऐसा है, दुखी मन से हम लोग आ गए हैं वापस। इतनी क्यों नहीं है दुखी मन यार। इतने गंदे रास्ते से आए हैं अभी पीठ तोड़वाते हुए, लेकिन यार इतना टॉर्चरस रास्ता था और ऊपर इतना डेंस फॉग है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है। फॉग, बादल, मतलब सब कुछ है। और भीड़, मतलब एक तो कोविड का यहाँ पे इतना न्यूज़ में आ गया है तो वो टेंशन हो रही थी, और ऊपर से कुछ ऊपर दिख भी नहीं रहा था। तो हम लोग नीचे जा रहे हैं, हमारी जो जीप थार जो भी है वो नीचे वेट कर रही है। 7 o'clock उसने कहा है वापस आ जाना। इसका हमने वैसे 1500 रुपये दिया था, इनके नंबर दे दूंगी मैं वीकेंड पे 1500, और अगर इंडिविजुअल जीप चाहिए तो उसके लिए शायद 2500 रुपये लेते हैं। हम लोग 2 लोग थे तो हम लोग शेयरिंग में चले गए, जब तुमने 1500 रुपये दिया तो हमें तो सस्ता ही पड़ा। रेड कलर के 2-3 हैं यहाँ पे। तो ये है, ऐसा है पूरा रास्ता इनका, जिससे ज़्यादा ही घटिया रास्ता है जिससे हम लोग आए हैं। अभी वापसी में दिखाते हुए चलूँगी, सब वापस आ गए हैं, कोई सनराइज नहीं हो रहा है आज।
तभी हम लोग जो पीक देखने गए थे कोलकुमलाए, उसी के ही नीचे ये पूरा टी एस्टेट है किसी का प्राइवेट, तो हमें जगह अच्छी लगी, हम लोग रुक गए फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए। काफ़ी अच्छा लग रहा है, पीछे व्यू पूरी हरी भरी पहाड़ियाँ हैं, चारों तरफ चाय के बागान हैं, बस अच्छा लग रहा है। प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इससे पहले कोई हमें भगा दें यहाँ से, तो हम लोग यहाँ से अब निकलते हैं सीधे वापस अपने होटल के लिए। बट काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ही प्लेजेंट सा वेदर है, हल्की हल्की ठंड है, अभी धूप यहाँ आ गई है बट ऊपर बिल्कुल धूप नहीं थी, तो बस इंजॉय कर रहे हैं। कोलकुमलाई माउंटेन पीक देखने के बाद हम लोग नीचे आ गए थे, हम लोगों ने अपने ही होटल में ब्रेकफास्ट किया। अब हम लोग निकले हैं मुन्नार लोकल साइट सीइंग के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं टॉप स्टेशन की तरफ, बेसिकली वो एक बॉर्डर वाला एरिया है तमिलनाडु और केरला का, तो उसके रास्ते में बहुत सारे साइट सीइंग के छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मडुपेटी डैम देखने, वहाँ पर शायद बोटिंग वगैरह होती है, और उसके बाद जो भी आसपास के व्यू पॉइंट्स हैं वो दिखाएंगे। एक पीछे एलिफेंट पार्क था, वहाँ हम पर्पसली नहीं गए बिकॉज वहाँ पे एलिफेंट्स को ठीक से नहीं रखा जाता है और उसके ऊपर राइड्स वगैरह कराई जाती हैं, तो वो हम लोग नहीं देखना चाहते और हम प्रमोट भी नहीं करना चाहते। बाकी जो जो चीज़ें आएंगी वो मैं आपको दिखाते हुए चलूँगी। और मेरे पीछे है एक प्राइवेट टी एस्टेट, तो आज शाम को कोशिश करेंगे कि यू नो कुछ अच्छी सी यहाँ से चाय भी खरीद के लेके जाएँ। हम लोग कर रहे हैं बोटिंग मडुपट्टी डैम में। मेरी गर्दन ऐसे लग रही है ना जैसे कि बिल्कुल ऐसे अलग हो गई है, इस जैकेट के बाहर निकली हुई है ये, बिकॉज ये जैकेट काफ़ी लूज़ है और मोटापे की वजह से नहीं, और ये जैकेट अलग हो गई है, बट सही लग रहा है। पैडल बोटिंग कर रहे हैं और हल्की हल्की ठंड भी है, बारिश होने वाली है, पीछे देखो क्या सही व्यू है। बस ये मेरी जैकेट और ये गर्दन को छोड़ के बाकी सब सही लग रहा है। इसके हमने पे करे हैं 400 रुपये, आई थिंक आधा घंटे तक आप आराम से कर सकते हो। एक बॉर्डर बनाया हुआ है, आप उसमें धीरे 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 करके पैडल बोटिंग करते रहो। पैडल बोटिंग बेसिकली ये होती है, ऐसे हम पैडल करते रहेंगे और बोट आगे चलती रहेगी। तुम्हें बता रहा था कि पैडल से पैर मारना होता है। ये देखो हम कहाँ ही जा रहे हैं, ये राइट क्यों हो रहा है, फन होता है, मतलब बेसिकली इसका फन ये है कि तुम बस ऐसे रिलैक्स करते रहो, बैठे रहो गधे की तरह। तो अभी मडुपट्टी डैम पे बोटिंग करने के बाद हम थोड़ा सा और आगे आए हैं, ये है सन मून बोटिंग क्लब। इसके हमने 40 रुपीज़ की एंट्री दी है, बट ये काफ़ी बड़ा है, मतलब जहाँ हमने वहाँ बोटिंग करी ना उससे ज़्यादा काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पर थोड़ी बड़ी बोट्स भी हैं और एक बेसिकली एडवेंचर पार्क की तरह है, अंदर जिप लाइन वगैरह भी हो रही है और वो जिप लाइन के ऊपर साइकिल चलाते हैं ना वो भी हो रही है। देखते हैं अभी और क्या क्या है यहाँ पे एक्टिविटीज़। तो वो जो ऊपर वाली डेक वाली जो बोट है उसका है 200 रुपीज़ पर पर्सन, अभी तो 30 मिनट्स की वेटिंग है, और वैसे 30 मिनट्स घुमाते हैं मतलब आधा घंटा का चक्कर लगा के आपको यहाँ पे वापस ले आएंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर काफ़ी सारी बोट्स हैं, स्पीड बोट शायद थोड़ी महंगी हैं, 1400 रुपये की हैं या ऐसी कुछ 2000 रुपये की हैं, और वो वाले के लिए थोड़ा पहले आना चाहिए। सो डैम विज़िट करके हम थोड़ा सा और आगे आए हैं, रिपल टी की फैक्ट्री है यहाँ पे चाय की, तो हम वो चाय की फैक्ट्री देखने आए हैं। तो अभी अंदर जा रहे हैं, टिकट है शायद यहाँ पर, और यहाँ से चाय भी खरीद सकते हो और फैक्ट्री भी देख सकते हो। मुन्नार में 17 टी फैक्ट्री, कन्नन देवन नाम्स में 17 टी फैक्ट्री पुराना है, 100 साल की चाय का फैक्ट्री मुन्नार में पुराना रहती हूँ, 100 साल की चाय का पेड़ मुन्नार में जिंदा है, आने वाला जाने वाला रास्ता में देखा होगा ये चाय का पेड़ सब 100 साल की पेड़, एक पेड़ का लाइफ 1400 साल की पुराना। Thank you.
अभी हम लोगों ने वो चाय की पूरी फैक्ट्री देखी. उन लोगों ने पूरा प्रोसेस समझाया. अब सब समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो नार आ रहे हैं तो ये सब चीज़ें देख सकते हैं कि चाय कैसे बनती है. सुवेनियर के तौर पे थोड़ी बहुत हम लोगों ने चाय भी ले ली है. जो नॉर्थ इंडिया में चाय बनाने का प्रोसेस है, यू नो, उबालते रहो उसमें खूब सारा अदरक, खूब सारी चीनी, वो प्रोसेस यहाँ पे उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उबालना नहीं चाहिए चाय को. बट हम लोग तो पड़ी भी इतने सालों से तो मुश्किल है बहुत चेंज करना. हम जा रहे हैं कि यहाँ पर एक फैक्ट्री है, चॉकलेट फैक्ट्री. बेसिकली यहाँ पर चॉकलेट बनाना सिखाते हैं या दिखाते हैं, तो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं. वहाँ से कुछ थोड़ी सी चॉकलेट्स लेंगे अपने लिए और आपको दिखाएंगे ये ना चॉकलेट कैसे बनती है. तो ये हमारी शायद मेरी सातवीं चॉकलेट होगी, छठी या सातवीं चॉकलेट. सारे फ्लेवर्स ट्राई कर लिए तो यहाँ पर आपको उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया. फिर आप यू नो अलग अलग फ्लेवर की चॉकलेट चूज़ कर सकते हो. टेस्टी है ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ बनी हुई हैं. और जो हम लोगों ने ली है डार्क चॉकलेट, वो उसमें स्टीविया डला हुआ है, उसमें चीनी नहीं डली हुई है. तो अगर आप आते हो, आप यहाँ पर आके चॉकलेट्स ले सकते हो. टॉप रेटेड है मुन्नार में चॉकलेट्स के लिए. तो बस अपनी आई होप ये लास्ट चॉकलेट है मेरी. ब्लैक करंट डला हुआ है इसमें. अच्छी चॉकलेट है. गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुन्नार अगेन. हम लोग का आज सेकेंड डे है मुन्नार में और आज हम लोगों ने चेकआउट कर लिया और हम लोग थकेड़ी जाने वाले हैं. तो यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है एराविकुलम नेशनल पार्क. तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, एक एंडेंजर स्पीशीज़ की गोट होती है उसे देखने के लिए. मुन्नार टाउन से करीबन 10 किलोमीटर के आसपास है नेशनल पार्क. 200 रुपीज़ की टिकट है. बस में लेके जाएंगे आपको, एक जगह पर छोड़ेंगे. वहाँ से आपको 1 किलोमीटर वॉक करना है. आप वो गोट्स देकर वापस बस में वापस आप यहीं आ जाएंगे जहाँ से टिकट मिलती है. देखते हैं ओवरऑल टाइम कितना लगता है, बट ये डेफिनेटली करना चाहिए अगर आप लोग मुन्नार आ रहे हो. एंड आई होप हमें गोट देखने को मिले, बिकॉज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और ऐसा ना हो कि वो लोग हाइडिंग में चली गई हों. सो लेट्स सी कैसा रहता है अभी. पार्क के टॉप पॉइंट पे यहाँ पर ही, मतलब जो गोल्फ कार्ट आई थी उसने बाकी लोगों को यहाँ पर ड्रॉप करा है. तो बेसिकली यहाँ से आपको गोट दिखनी चाहिए. बट जितने लोगों से मैंने भी पूछा है, किसी को भी तो गोट नहीं दिखी है. सो आई थिंक यू हैव टू बी लाइक रियली लकी, या फिर आप थोड़ा लंबा समय यहाँ बिताएं, वेट करें, क्योंकि ये बेसिकली नेशनल पार्क है, राइट? तो गोट हमारे लिए वेट नहीं कर रही है कि आई है मेरी फ़ोटो खींचिए. सो अभी आई डोंट थिंक सो हमें आज कुछ दिखेगा. बस व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं यहाँ से. पीछे बहुत ही सुंदर पहाड़ी दिख रही है और अच्छा लग रहा है. ठंड हो रही है हल्की हल्की. पीछे व्यू देखो क्या सही लग रहा है, बिल्कुल मेस्मराइजिंग व्यू है. सो पार्क से तो हम लोग नीचे आ गए हैं और यहाँ पर एकदम से पूरा का पूरा वेदर बदल गया है, मिस्टिकल हो गया है और हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई है. तो हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे और यहाँ पर सेल कर रहे हैं पैशन फ्रूट. पैशन फ्रूट बेसिकली यहाँ का लोकल फ्रूट है. हम लोगों ने वियतनाम में भी काफ़ी खाया था तो मैं एक लेने वाली हूँ. सो ये होता है पैशन फ्रूट. एक पैशन फ्रूट है 20 रुपये का. कैन यू गिव मी वन? ओके, लाइक दिस आई हैव टू ईट, राइट? ओके, थैंक यू सो मच. तो मैं भी ये खाती हूँ, बताती हूँ ये कैसा है. तो ये हम लोगों ने पैशन फ्रूट खाया अभी
और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मतलब इट्स वेरी 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 नाइस। तो इसको ऐसे खोल के अच्छा खा गया, बहुत मीठा है, बढ़िया स्वाद है इसका। बस कलर थोड़ा सा अलग है, हमने जो वियतनाम में खाया था वो थोड़ा सा येलोइश था, आई थिंक यहाँ पर वो भी मिलता होगा, बट ये भी मेरे को बहुत टेस्टी लग रहा है। आई होप इसका नाम पैशन फ्रूट ही है, बिकॉज मैं लैंग्वेज ठीक से समझ नहीं पाई थी। तो 20 रुपये का एक है, हम भी और लेकर आ रहे हैं, फिर जर्नी में रास्ते में खाते हुए चलेंगे। और इसी के साथ मुन्नार का भी हम व्लॉग एंड कर रहे हैं। मुन्नार में हम जितनी इतनी जगह घूम सकते थे एक डेढ़ दिन में हमने सारी घूम ली हैं। बाकी कुछ और जगह हैं, अगर आपको किसी के बारे में जानना हो तो आप पूछ सकते हो। एक फ़ोटो पॉइंट था जहाँ पर हम लोग नहीं रुके, बट यहाँ पे कहीं पर भी आपको ऊपर नीचे अगर टी गार्डन्स दिखते हैं वहाँ पे खड़ो के आप फ़ोटो खिंचा लीजिए, वही फ़ोटो यू नो वही फ़ोटो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ऐसे बहुत सारी जगह बने हुए हैं। तो बस अब निकल रहे हैं थेकेड़ी, अब आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में थेकेड़ी में।